In this chapter, first you should know that what is civilization. Civilization is that period when development took place in all sphere of the life. ठीक है, लो आदर इस इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ डेवलपमेंट, जिसमें कि हर क्षेत्र में प्रोग्रेस हुआ, दैट पीरियड इज कॉल्ड सिविलाइजेशन. मेनी इंपॉर्टेंट चेंजेस टुक प्लेस इन द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए ह्यूमन सोसाइटी में, के इवोल्यूशन में. इवोल्यूशन यानी कि विकास में, जैसे जैसे मानव जाति का विकास हुआ, बहुत सारे चेंजेस हुए. आपने देखा इन द लास्ट चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट द अर्ली मैन वाज फूड गैदरर, दे वर हंटर एंड फूड गैदरर. ठीक है, वो शिकार करते थे और साथ में वो क्या करते थे, खाने की खोज में इधर से उधर घूमा करते थे. तो देवर फूड गैदरर. उसके बाद आपने देखा कि इन द मेसोलिथिक पीरियड दे बिकम फूड प्रोड्यूसर. नाउ दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड एंड दे लर्न टू सो द सीड्स एंड ग्रो द ग्रेन्स एंड आफ्टर दैट फॉर टेकिंग केयर ऑफ देयर क्रॉप्स दे स्टार्टेड लिविंग नियर देयर फॉर्म. और जहां पे वो खेती करते थे वहीं पर अब वो रहना शुरू हो गए थे. तो अब वो फूड गैदरर से, आप मेसोलिथिक एज में देखोगे तो वो फूड गैदरर थे. सॉरी, पैलोलिथिक में आप देखते हैं कि वो अर्ली मैन फूड गैदरर थे, लेकिन मेसोलिथिक पीरियड में आपने देखा कि अब वो फूड प्रोड्यूसर बन गए. नाउ दे लर्न टू ग्रो द क्रॉप्स. ठीक है, अब वे क्रॉप्स क्रॉप्स ग्रो करना सीख कहते. दिस चेंजेस लेड द फाउंडेशन ऑफ सिविलाइजेशन. ये जो चेंजेस होता गया मानव जीवन में, इससे ही सिविलाइजेशन का उदय हुआ. तो सिविलाइजेशन इज दैट स्टेज इन ह्यूमन डेवलपमेंट व्हेन अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस टू प्लेस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, सिविलाइजेशन उस स्टेज को कहा जाता है जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट हर क्षेत्र में हुआ, चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, हर जगह पर चेंजेस आए. दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन. द अर्ली सिविलाइजेशन फ्लरिश ऑन द रिवर बैंक. आप पढ़े हो ना कि सबसे पहले मनुष्य कहाँ बसने लगे, नदियों के किनारे बसने लगे. तो स्टार्टेड एस्टेब्लिशिंग नियर द रिवर बैंक, इसका रीजन क्या था? बिकॉज दे फ्रॉम रिवर दे फुलफिल देयर नीड्स ऑफ वाटर नियर रिवर. दे वर गेटिंग फर्टाइल सॉइल एंड दे वर गेटिंग क्ले टू मेक ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज. नदियों के किनारे रहने से क्या क्या उन्हें मिलता था? हर दिन के काम की जरूरत को पूरा करने के लिए पानी मिल जाता था, फर्टाइल सॉइल मिलते थे, उपजाऊ मिट्टी मिल जाती थी, और क्ले क्ले टू मेक ब्रिक्स, मिट्टी जिससे कि बनाते हैं बर्तन, सॉरी ईंट बनाते थे, और उस ईंट से लोग घर बनाते थे. तो वो ईंट बनाने के लिए भी नदियों के किनारे उन्हें मिट्टी मिल जाती थी. इसलिए वो कहाँ रहना पसंद करते थे? वो इसलिए जितने भी सिविलाइजेशन आप पढ़ोगे, सारे सिविलाइजेशन नदियों के किनारे ही स्टार्ट हुए थे, नदियों के किनारे ही फ्लरिश थे. जैसे कि इंडिया का जो सिविलाइजेशन है वो है इंदस वैली सिविलाइजेशन, और इंदस वैली सिविलाइजेशन कहाँ है? इंदस रिवर के किनारे, इंदर नदी के किनारे, इंदस रिवर के किनारे किनारे लोग बसे, एंड दैट वाज कॉल्ड इंदस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, आपको इसमें आगे पढ़ना है इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में. तो इसके अलावा एक तो उन्हें ये सारी चीजें मिलती थी, नदी को किनारे पानी मिलता था, देन फर्टाइल सॉइल दे आर गेटिंग, क्ले दे आर गेटिंग टू मेक ब्रिक्स. बिसाइड दिस द वाटर बॉडी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी फॉर फिशिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एज वेल एज मॉडरेट क्लाइमेट. ठीक है, नदी के किनारे उन्हें और भी कुछ कुछ फायदे थे.
देवर वाटर बॉडी के नदी रहने से उन्हें फिशिंग करते थे, वो मछली पकड़ते थे। ट्रांसपोर्टेशन, जो आप अर्ली ट्रांसपोर्टेशन को देखोगे तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ वो वाटर ट्रांसपोर्ट था। तो ट्रांसपोर्टेशन भी होता था, लोग सामान को वाटर वाटर वेज जो भी वो लकड़ी का राफ्ट राफ्ट बनाते थे और राफ्ट के द्वारा वो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते थे। तो ये चीज भी होने लगा। फिर व्यापार में भी उनको मदद मिलने लगी। वो पानी समुद्र के नदी के रास्ते वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते थे और वहाँ वो व्यापार करते थे। और साथ में वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट भी मिला। नदी के किनारे जो मौसम होता है वो बहुत अच्छा होता है, ना तो ज्यादा गर्म होता है ना ही ज्यादा ठंडा होता है, तो उन्हें मॉडरेट क्लाइमेट भी मिला। तो ये सब के वजह से अर्ली मैन कहाँ रहने लगे, नदी के किनारे। और हमारे जितने भी सिविलाइजेशन बसे हैं वो सभी नदी के किनारे ही बसे हैं, ठीक है। A man had learned the art of extracting and smelting of copper in the later Neolithic period. His experiment helped him to produce a new metal called bronze. ठीक है, जैसा कि मैंने Neolithic period में आपको बताया था कि लोग मिट्टी के बर्तन बना रहे थे एंड दे स्टार्टेड बेकिंग द क्ले पॉट्स। उसके बाद वो पॉट्स को वो क्या करने लगे, बेक करने लगे। एंड ऐसा हो सकता है कि इस बेकिंग के में कुछ ऐसे मेटल्स जो है वो पिघल कर निकल गए होंगे और दैट वो मेटल विल बी वाज कॉपर मेटल। वो मेटल कौन सा था, कॉपर मेटल था। और इस तरह से सबसे पहले जो मेटल स्टार्ट हुआ वो कॉपर मेटल बना। तो नाउ मैन हैड लर्न द आर्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर इन द लेटर न्यूलिथिक पीरियड। हिज एक्सपेरिमेंट्स हेल्प हिम टू प्रोड्यूस ए न्यू मेटल कॉल्ड ब्रोंज। अब वो कॉपर निकालना सीख गए थे। बाद में उनके जो एक्सपीरियंस थे उसके आधार पर उन्होंने ब्रोंज बनाया, ठीक है। ब्रॉन्ज जो होता है वो दो मेटल से मिलकर के बनता है, एक है टीन और देन कॉपर। टीन एंड कॉपर से मिलाकर के ब्रॉन्ज बना, ठीक है। टीन एंड कॉपर का कंबाइंड रूप क्या हुआ, ब्रॉन्ज बना। तो ये इससे क्या होता था, ब्रॉन्ज जो होता था वो कॉपर की तुलना में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता था, ज्यादा ड्यूरेबल होता था, ठीक है। और इसलिए जिस पीरियड में ब्रोंज का एज हुआ उसे ब्रोंज एज का नाम दिया गया। आपको मैंने आज क्लास में पढ़ाया था कि द पीरियड व्हेन स्टोन इज यूज दैट इज कॉल्ड स्टोन एज, द पीरियड इन विच मेटल इज यूज दैट इज कॉल्ड मेटल एज, और जब कॉपर का यूज होने लगा स्टोन के साथ दैट वॉज कॉल्ड कैल्कोलिथिक पीरियड। कैल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन एंड कैल्कोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप अभी देख रहे हो कि लोग कॉपर के साथ कॉपर को टीन के साथ मिलाकर एक नए तरह का मेटल प्रोड्यूस करने लगे और वो मेटल था ब्रोंज, जो कि ज्यादा स्ट्रोंगर था, ज्यादा ड्यूरेबल था। तो ये जो अभी अब जो इस एज में जब जिस एज में ब्रोंज का ज्यादा प्रयोग होने लगा उसका उस एज को उस पीरियड को ब्रोंज एज कहा गया, ठीक है। जिस पीरियड में ब्रोंज का ज्यादा उपयोग हुआ उसे ब्रोंज एज पीरियड कहा गया। हेंस इट हेल्प द मैन टू मेक बेटर टूल्स एंड इम्प्लीमेंट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन। आप देख रहे हो कि नए नए मेटल्स आ रहे हैं, अब और ज्यादा मेटल स्ट्रॉन्गर मेटल आ गया। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को, ह्यूमन बींग्स को बेटर टूल्स बनाने में हेल्प मिले। अब वे तरह तरह के चीजें इम्प्लीमेंट्स और टूल्स बनाने लगे जिससे कि प्रोडक्शन में ज्यादा आराम मिला। जैसे जैसे टूल्स अच्छे होते गए वैसे वैसे प्रोडक्शन भी तेजी से होने लगा और अच्छा होने लगा। मोरेवर दिस पीरियड शो द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्किल एंड क्राफ्ट। जो भी हो इस पीरियड में स्किल्स बहुत तरह तरह के स्किल डेवलप हुए, क्राफ्ट में डेवलपमेंट हुआ। तभी द सेटलमेंट स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स। अब गांव में जो लोग रहते थे उन्होंने सामान को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना शुरू किया। आपने पढ़ा था कि व्हेन द गुड्स आर एक्सचेंज फ्रॉम गुड्स दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट्स। जस्ट गिव द आंसर। इन द अर्लियर टाइम यू हैव स्टडीड दैट गुड वर एक्सचेंज टू गुड्स, आफ्टर दैट मनी वॉज इंट्रोड्यूस्ड।
पहले तो मनी या क्वाइंस इंट्रोड्यूस हुआ, पहले गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, उसे क्या कहते थे बच्चों? मैंने आप लोग को सिविक्स में भी बताया था। एनीवन रिप्लाई? डोंट हैव आईडिया, आई थिंक दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम, व्हेन द गुड्स वर एक्सचेंज टू गुड्स, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। क्या कहा गया उसको? बार्टर सिस्टम कहा गया। ठीक है, द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड ग्रोथ ऑफ सिटी लेड टू द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। आप देख रहे हो कि अब गांव का सेटलमेंट हो गया था, चीजें एक दूसरे से एक्सचेंज होने लगी थी, व्यापार में तेजी से प्रोग्रेस हो रहा था, सिटीज बनने लगे थे, और इस तरह से जैसे जैसे इन सब का डेवलपमेंट होता जा रहा था, वैसे वैसे सिविलाइजेशन का उदय होता जा रहा था। रिमेन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक, सदर्न टर्की एंड ईस्टर्न सीरिया, इजिप्ट, चाइना एंड इंडिया। जो प्राचीन सभ्यताएं थी वो मेसोपोटामिया में पाई गई है, जो कि आज के डेट में मॉडर्न इराक है, फिर टर्की में पाई गई है, जो आज के डेट में ईस्टर्न सीरिया है, इसके अलावा इजिप्ट, चाइना और इंडिया में भी एंशियंट सिविलाइजेशन के अवशेष पाए गए। ठीक है, एंशियंट सिविलाइजेशन के अवशेष पाए गए हैं। The study of civilization enriches our knowledge and helps us to understand the common characteristics as well as difference among different cultures. जब हम सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है और हम उसको दूसरे कल्चर से हम उसे अलग कर पाते हैं। जैसे कि सिविलाइजेशन में हम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, पहला क्या है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, दूसरा है इजिप्टियन सिविलाइजेशन और तीसरा है चाइनीज सिविलाइजेशन। तीनों में डिफरेंसेस देखिए। रिलीजियस डिफरेंसेस क्या थे? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर इन फॉर्म ऑफ मेनी गॉड्स, वो नेचर की पूजा करते थे लेकिन बहुत सारे गॉड के फॉर्म में। इजिप्टियन वर्शिप सन गॉड, वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ मून और फ्लड, मून और फ्लड की वो पूजा करते थे। चाइनीज वर्शिप नेचर इन द फॉर्म ऑफ अर्थ और ओरेकल्स, ये अर्थ की पूजा चाइनीज करते थे। तो आप देख लो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। ऑक्यूपेशन देखो तो तीनों का अलग अलग है। मेसोपोटामिया का ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर, पॉटरी, ग्लास एंड क्लोथ मेकिंग। इजिप्टियन सिविलाइजेशन का ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, और चाइनीज सिविलाइजेशन का जो है वो है एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पेंटिंग, स्कल्पचर्स। ठीक है, चाइना में पेंटिंग भी शुरू हो गया था, मूर्तियां भी बननी शुरू हो गई थी, जानवरों के पालने के साथ साथ ये सारे काम भी हो गए थे। आप देख लो चाइना थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गया था। इन्वेंशंस क्या क्या हुआ? तो मेसोपोटामिया में जो इन्वेंशन हुआ है, कन्फर्म स्क्रिप्ट, प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, यूज ऑफ हर्ब्स, वाटर, डॉग, लूनर कैलेंडर, कोड ऑफ हम्मुरावी। आप देख रहे हो कि इसमें मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, स्क्वायर रूट जो कि आप पढ़ रहे हो, ये उस समय डेवलप हो चुका था, लेकिन ये सब मेसोपोटामिया में हुआ था। उसके बाद इजिप्ट में क्या हुआ था? हियरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट आप देख रहे हो चेंज है। पपायरस सोलर कैलेंडर, इसमें आप देख रहे हो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। चाइना में क्या हुआ? पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट होता था पिक्चर की मदद से एक्सप्लेन होता था। पेपर कैलेंडर एंड वॉज ए कम्बिनेशन ऑफ लूनर एंड सोलर डेज। यहाँ पे कैलेंडर जो था, वो दोनों ही सोलर और लूनर कैलेंडर दोनों के आधार पर
उस बना था, मैं सोलर में जो सोलर के हिसाब से जो डेट पड़ता है और चांद के अनुसार से जो डेट पड़ता है उनका एक कंबाइंड रूप था। यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन एंड एक्यूपेंचर, हर्बल मेडिसिन का इन्वेंशन चाइना में हो गया था और एक्यूपेंचर भी हो गया था डेवलप। द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ब्रोंज डेवलप इन रिवर वैली, इट इज स्टडी अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन कल्चर दैट एग्जिस्टेड इन इंडिया, सम एरिया आर नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। चूंकि एंशिएंट सिविलाइजेशन में ब्रोंज का डेवलपमेंट हो गया था, ब्रोंज एज आ गया था, तो हम एंशिएंट सिविलाइजेशन में हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे वो है इंदस वैली सिविलाइजेशन और हरप्पन कल्चर। ठीक है, इंदस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन कल्चर कहते हैं और ये सिविलाइजेशन आपने मेसोपोटामियन पढ़ा, इजिप्टियन पढ़ा, चाइनीज सिविलाइजेशन, बट दे आर नॉट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सिविलाइजेशन था दैट वाज इंदस वैली सिविलाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज हरप्पन कल्चर। दिस इज एग्जिस्टेड इन इंडिया, दिस वॉज एग्जिस्टेड इन इंडिया, ये इंडिया में था लेकिन हिस्सा इसका अब पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है बच्चों, ये इसका कुछ हिस्सा चला चला गया है पाकिस्तान में। सो आई वॉन्टेड